स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपपदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे Thank you.
सूर्य क्लास में बताया था कि प्रसाद का कोई चीज मैंने क्लास में जो आई है कथाएं सुनने के लिए आना, यहाँ प्रसाद खाने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ प्रसाद पहले मैं बोला था प्रसाद का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रसाद के स्पॉन्सर कर चुके हुई राय रामानंद प्रभु स्पॉन्सर 6 days प्रसाद नित्यानंद कथा टूडे टूडे इस समस्या प्रसाद पता नहीं तो ठीक है उसे नित्यानंद की कृपा से आ रहा है नित्यानंद प्रसाद नित्यानंद प्रभु ही प्रसाद का ही व्यवस्था पहले जो दंड दिए थे उसको दंड दिए थे रघुनाथ दास क्या दंड दिए थे भक्तों को खिलाना पहले भी यही दंड है प्रसाद सारे भक्तों को प्रसाद तो ठीक है नित्यानंद प्रभु की कृपा से क्योंकि तो मैं नहीं जब मैं मेरा इच्छा ऐसे कुछ व्यवस्था था कि वहाँ कथा में प्रसाद भी होगा लास्ट में, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने अपना व्यवस्था किया, मैंने इनको उनके साथ मेरा कोई बातचीत नहीं है और भी वो दूसरे लोग भी देने के लिए तैयार थे रमाकांत प्रभु यहाँ भी आमार डिपार्टमेंट तरफ देखे और राधा श्याम सुंदर प्रभु ने यहाँ भी आमार डिपार्टमेंट की तरफ से तो वो भगवान भगवान प्रभु जो किचन के इंचार्ज है उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर ली तो नित्यानंद प्रभु अभी नित्यानंद त्रयोदशी आने वाले हैं नित्यानंद प्रभु की आशीर्वाद कब फेब्रुआरी 2015 फेब्रुआरी 1 को नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि आने वाला है। नित्यानंद प्रभु ऐसा ही हम सभी जानते हैं नित्यानंद प्रभु कौन है ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुंदर भैल से ही बलराम भैला बलराम, लेकिन बलराम ही नित्यानंद के रूप में आए हैं, लेकिन गौरांग महाप्रभु की लीला में नित्यानंद और कृष्ण लीला में बलराम दोनों में बहुत अंतर है। एक नहीं कृष्ण लीला में जो बलराम थे तो इतने तो वो ऐसे नहीं थे कि जो उनको कोई कुछ भी बोले पत्थर फेंके फिर उनके सिर भी फोड़ जाए फिर भी वो सहन कर लिए, बलराम ऐसे थे खड़ा नहीं हुआ से जैसा सर में बैठे कभी खड़ा नहीं हुए तो उसी में से उस टच करा दिया बस उसके स्वार्थ को रुक्मिणी ने रुक्मिणी का भाई रुक्मिणी ने सटा खेल रहा था बलराम जी के साथ बलराम जी से सटा खेलता था और रुक्मिणी के साथ में कलिंग के राजा मगध के राजा वाराणसी के राजा सब ये सब उसके दोस्त थे सब सब और बलराम एक मेडिक खेलते थे बलराम सबके बोले तो जीतते थे बलराम से सटा अच्छे खेल रहा है खेलने में एक्सपर्ट नहीं थे लेकिन फिर भी कभी कभी इनकी जीत होता था फिर भी वो लोग बोलते नहीं नहीं तुम्हारा जीत नहीं हुआ किसका जीत हुआ तो ऐसे ही एक बार दो बार तीसरे बार हुआ तो बलराम जी क्या करे सहारा करते थे लेकिन स्वर्गवाड़ी आकाश में आकाश से देवता लोग ने बता दिया नहीं नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं बलराम जी का ही है जय हुआ तो बच्चे स्वर्गवाणी हो गए तो बलराम जी को उठाए गद्दा लगाए किसके सिर पर किसका रुक्मी रुक्मी का सिर पर वही समाप्त हो गई जो हस्तिनापुर में जो कृष्ण किसका परिणय हो रहा था लक्ष्मणा श्याम लक्ष्मी का लक्ष्मण का परिणय हो रहा तभी उसको बंदी बना लिए थे सांप को बंदी बना लिए थे कौरव सेना बंदी बना के लिए थे उठा के लेके चलता था लक्ष्मण को मैंने स्वेच्छा से स्वयं करना चाहता था सामने लेकिन कौरव का सारे गुरुवंशी इसको बंदी कर लिए सभी लोग मिलकर अकेले कोई उसके साथ युद्ध नहीं कर पाता था लेकिन सभी मिलकर एक साथ में भीष्म कर्ण द्रोण आदि सारे योद्धा मिलकर इनको बंदी कर बंदी बना खबर आगे पहुंच गया कहां हस्तिनापुर में नहीं द्वारका में खबर पहुंच गया भगवान से श्री कृष्ण तो क्रोधित होकर अपने सारे जदु से रेडी थे जाने के लिए युद्ध में इनकी एक रश्मि लेकिन बड़ा
जूते फैटिंग करना ठीक नहीं, जूते जूते नहीं करना ठीक, मैं जाता हूँ उसको मिला मिलजुल कर। लेकिन आए जयपुर हस्तिनापुर में पहुंचे और थोड़ा ऑर्डर देने के मौके कई तुम्हारे शिष्य सोचते थे कि दुर्योधन मेरा शिष्य है, शिष्य को गुरु ऑर्डर देना चाहिए। ऐसे कह रहे थे कि देखो बलराम जो हस्तिनापुर में पधार रहे सुनकर सारे बड़े बड़े कुरुवंशी सब गए, जैसे सब लोग आ गए मिलने के लिए। बलराम को जानते थे, आकर प्रणाम किए, दुर्योधन भी आकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लेकिन बलराम उसका ऑर्डर देने के मौके में कहे कह के जल्दी ये दोनों को मेरे सामने लेके आओ सारी तरह की। किसको क्षेत्रियों के से ऑर्डर अच्छा नहीं मिलता था, कहते अच्छा थोड़ा सा कहने लगे, बोले अच्छा है हम हस्तिनापुर के राजा हैं, हस्तिनापुर के सिंहासन में जो बैठता है पूरा विश्व के सम्राट है और ये कुरुवंशी हमारे अधीनस्थ के राज्य के राजा है, हमने कृपा करके इनको दिया वो राजूत करने का अधिकार, इनको भी छत्र धारण करना, मुकुट धारण करने का हम लोग ये अनुमति दिया, तब ये लोग छत्र मुकुट धारण कर रहे हैं और इनकी से ऑर्डर देने की हिम्मत हो गई है। बलराम जी क्या किए, सहन कर गए, बोले अच्छा ये लोग घमंड को चूर चूर करना पड़ेगा, अपने लंगल उठा बढ़ाया। लंगल ऐसे नहीं क्या, ये जो जैसे हम लंगल देख रहे खेत में जोत रहे गांव में, जैसे बलराम जी के लंगल ऐसे ही है, बलराम जी के लंगल ऐसा नहीं है, ऐसे बढ़ा सकते पूरा विश्व के साथ, विश्व को ही पूरा उठा के फेंक सकता है चारों साइड में, पूरा हस्तिनापुर के चारों साइड लंगल को बढ़ाया और चारों साइड में सीमा रेखा को पूरा टंकित कर दी और बस अभी उठा के इसको फेंक दूंगा। किसको हस्तिनापुर तो उठा के फेंक दी, हस्तिनापुर में रहने रहे घमंड में रहे। जिस कृष्ण के मैं ही स्वयं अपने को दास मानता हूँ, कृष्ण के निज सेवक मैं यदि हूँ, कृष्ण की पहला अवस्थान हूँ, जो कृष्ण के किंकर मैं स्वयं को मानता हूँ और ये लोग कहते कि वो कृष्ण को क्षत्रिय द्वारकाधीश को राजमुकुट और क्षत्रिय ये लोग ने दिए, इनके इतना घमंड है और ये हस्तिनापुर को समाप्त करता हूँ, पूरा हस्तिनापुर पूरा उठाकर इसको उखाड़ दे सीधा ठीक है समुद्र में, हस्तिनापुर रहेगा ना, इनके घमंड रहेगा। बलराम कैसे थे, बोले पर कृष्ण लड़ा में बलराम पूरे भगवान के मैंने पूर्ण परिचय देते थे, वो सहन करने वाले नहीं थे, थोड़ा सा भी अन्याय होता तो उसके प्रतिवाद करके तुरंत तैयार हो जाते थे। अवश्य दुर्योधन जैसे महापापी को उन्होंने अपने शिष्य बनाकर रखा था बलराम जी, लेकिन दुर्योधन और भीम का जब लड़ाई हो रहा था बलराम जी लास्ट में चलते तो युद्ध के प्रारंभ से भाग गए, उन्होंने कृष्ण को कहे कि कन्हैया ये युद्ध में भाग नहीं लेंगे, ये पांडव लोग और कौरव लोग सोलह हमारा मित्र है, ये हमारा बुरा काल के हैं और वो भी हमारा संबंधी है, दुर्योधन हमारा मेरा शिष्य भी है, हैं दुर्योधन का पुत्री का साथ भी शादी हुआ, सांप का भी ये भी संबंधी है, हम किसी में भाग लेंगे, हमको जाना है, मैं जा तो क्या हम दोनों को नहीं जाना, तुम नहीं जाना युद्ध में, कन्या कह मैं तो बच्चे को वचन दिया हम जाऊँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा लेकिन रथ में तो बैठ गया अर्जुन के रथ में, तो बलराम जी ने भाग नहीं दिया था। लेकिन जो वापस आए तीर्थ भ्रमण कर करके अद्भुत लीलाएं से प्रकट किए बलराम जी ने, बलवन को मार के राक्षस को भी वध किए, अंत में जब आकर हस्तिनापुर पर पहुंचे तो भाई अंतिम दिन था युद्ध खत्म होने वाला था, सफल दिन अठारह दिन लास्ट दिन का युद्ध था, किसका किसका युद्ध हो रहा था, भीम और दुर्योधन, बलराम खड़े थे देख रहे थे दोनों का युद्ध, दुर्योधन के गुरु थे बलराम और हनुमान थे दूसरे के गुरु, किसका भीम को कौन युद्ध गदा युद्ध सिखा दिया था, हनुमान जी लेकिन युद्ध के कौशल में अधिक कौशल कौन जानता था, इसलिए बलराम कह रहे थे बंद करो तुम दोनों किसी को जितनी पाओगे, लेकिन वो सुने कि वो बलराम को नहीं सुने, लेकिन देखिए कि जैसे युद्ध करने से तो वो मरेगा नहीं, क्योंकि तो गांधर ने दृष्टि डालकर उसकी अंग को पूरा वज्र की जैसे बना दिया था, किनका केवल उसकी यहाँ से जंघ से यहाँ तक थोड़ा वो केला का पत्ता भाग गया था, इसलिए थोड़ा बना गया था और पूरे अंग थे वज्र से, और बता देते कि नियम काम नहीं कमर के नीचे
मारना नहीं, यहाँ जगह में नहीं मारती गदा, गदा जो भी शरीर में जहाँ मारे गए, लेकिन इसको तो मारना ही पड़ेगा। तो भगवान ने बार बार इशारा दे रहे थे, कृष्ण ने इशारा दे रहे थे इसको जगह में मारो, क्या करके बेचारा भगवान इशारा तो लगाया, थोड़ा समझ गया भी लगाया वाला तुमको जगह। अब बलराम जी क्रोध आ, बलराम जी कहे कि अच्छा लाओ गदा, अब इसको समाप्त कर दूंगा, भीम का नाम आज से संसार में समाप्त कर दूंगा। करते 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 धर्म का नियम भंग किया, युद्ध नियम भंग किया है, क्यों तू जगह में मारा? तो भगवान ने संभाल लिया, रुकिए देखिए भीम क्या करेगा। भीम तो प्रतिज्ञा नहीं बनता था, वो जगह देखा कि वो बुलाया था कौन, भीम ने बुलाया था इसको, दुर्योधन ने बुलाया था द्रौपदी को, तब तो प्रतिज्ञा किया था इसका, जगह जगह को तो कैसे जगह में बुलाओ अपना। तो उस लीला में हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में ज्यादा कृष्ण का बुद्धिमत्ता और बलराम बड़े बड़े अपना शक्ति का परिचय दिए हैं, स्वन्याय को सहन नहीं करते थे तुरंत, लेकिन वही बलराम नित्यानंद के जब रूप में आए तो फिर दया अवधि निताय दया अवधि, दया की अंतिम लिमिट, लास्ट लिमिट ऑफ मर्सी कौन है? हम कहते कि प्रकृत में गौरांग महाप्रभु दयालु होता है, तुम बिना के दयालु जगत संसार है, लेकिन फिर भी गौर और निताय दोनों में यदि कंपैरिजन किया जाए कौन अधिक दयालु है? क्योंकि ये गुरु है, ये आदि गुरु है, आदि गुरु परिकर अपने यदि कृष्ण रुष्ट हैले गुरु राखी के पारे, गुरु रुष्ट हैले कृष्ण राखी के ना पारे, गुरु तत्व तो में आदि गुरु है बलराम है। और विशेष रूप में इसी अवतार में जब नित्यानंद के रूप में आए गुरांग के साथ में, तो इन्होंने दया की अवधि सीमा प्रदर्शन किया इस अवतार में। और इनके समागत हुई कि ना जैसा पत्रकार है कि गौतम दास ठाकुर कहते कि भाई राधा कृष्ण ऐसे नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण को प्राप्त करना संभव नहीं है। यदि गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण रहे होंगे, जैसे गुरुपाजी गुरु महाराज थे कौन, ये डिवाइन मिनिस्टर सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन्होंने सारे गोड़िया मठ के केंद्र को स्थापना करके हमको यही सिखाया, हमको प्रचार किया कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण रहे, गौरांग महाप्रभु महिमा को राधा कृष्ण से भिन्न, इसको विशेष रूप से प्रचार किया। और कहेगी कलयुग में यदि वो सबसे करुणा के अवतार है गौरांग महाप्रभु, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति भगवत धाम जाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कितना नाम जपना पड़ेगा? एक लाख नाम स्टैंडर्ड है गौरांग महाप्रभु के। यदि 1,00,000 नाम नहीं जप रहे हो तो अपने को वैष्णव बनना अधिकार बापू कहते हैं, इस व्यक्ति के हाथ से मैं पानी भी ग्रहण नहीं करता हूँ, जो 1,00,000 नाम पाठ करके नहीं है उसके हाथ से क्या नहीं पीता हूँ, पानी भी नहीं पीता हूँ। लेकिन नित्यानंद प्रभु के पास कैसे नीति नियम नहीं है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वो भी बात कहे कि जो 1,00,000 नाम नहीं लेता तो अपने को वैष्णव बोलने का अधिकार नहीं है, वो अपने को वैष्णव नहीं कर सकते। श्री प्रभुपाद ने उपदेश में लिखते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी डिवाइन मिनिस्टर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विवेचना के अनुसार आप सभी पति थे, लेकिन फिर भी ऐसे सब पति तो आत्माओं के उद्धार के लिए विशेष रूप में गौरविता अवतरण हुए। प्रभुपाद ने अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए ही पाश्चात्य जगत में गए, और उनको पहले ही नहीं कहे थे 16 बड़ा जन्म, कितना बड़ा कहे थे? जो देखेंगे करके कर सीधा सीधा मारा करके हमसे नहीं गए, 8 घंटा बैठ के जब कर नहीं संभव नहीं, तो प्रभुपाद के 432 बड़ा तक वो भी संभव नहीं है, 1 सप्ताह के बता करके ये 32 बड़ा भी नहीं हो गए। फिर प्रभुपाद ने देखी कि हमको तो गौरांग महाप्रभु को उद्धार नहीं करेंगे, हैं गौरांग महाप्रभु अपना स्टैंडर्ड के नीचे नहीं आने वाले, ऐसे 64 बड़ा पर 1,00,000 नाम नहीं लेंगे तो कैसे इनको उद्धार। प्रभुपाद ने स्वयं
जो वो उपासना करते थे उनकी विग्रह एक तो केशव कोटी मठ में है और एक विग्रह आप देखोगे मायापुर में द्रौपदी के क्वार्टर में जाओ वहाँ पर देखोगे द्रौपदी के हाथ से जिन गुरु का आप सेवा करते थे कितने सुंदर पुराण है मायापुर में द्रौपदी का अपने हाथ से पुराण है। लेकिन देखिए कि ये सब पतितों को उद्धार करने के लिए है ये गोरा का वहां पर उसके फॉलो नहीं कर पाएंगे तो इन्हें उद्धार करेगा तो अभी उनको याद आया किनके बारे में है क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितार्थ के प्रारंभ से नित्यानंद की महिमा को कृपा को वर्णन करने जाते हुए अपने प्रति कैसे नित्यानंद कृपा कृपा की उसको भी वर्णन करते हैं चैतन्य चरितार्थ के आदि की पांचवा अध्याय अंतिम भाग में है जगाई माधाई हरिते आमिषे पापिष्ठ पुरुष कीट हरिते आमिषे लघिष्ठ है जगाई माधाई से भी अधिक पापी जो पुरुष एक था जो ड्रेन रास्ते के साइड में ड्रेन से कभी गंदे जल के अंदर कीड़े हो जाते हैं तो उस कीड़े से भी मैं घृणित फिर कहते कि महेना ने घुन्ने अबा के बा दया करे एका नित्यानंद बिना जगत संसारे तो मैं इतने घृणित हूँ लेकिन फिर भी मेरे को ये और आशा नहीं लेकिन एक आशा तो है मेरे कौन एका नित्यानंद बिना जगत संसार केवल नित्यानंद प्रभु के अला ये संसार से मुझे और कोई दूसरे व्यक्ति नहीं देख रहा जो मुझे उद्धार करेगा क्योंकि जगाए मथाए को भी कौन बात पत्थर पत्थर फेंका था बा कूलर शराब पी करो शराब शराब पीने वाला कूलर को फेंका था किसके नित्यानंद प्रभु के सिर में आघात करके सिर को फोड़ दिया था इसमें खून की धारा बढ़ रहा था कौन मारा था लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी नित्यानंद फिर आलिंगन करके उसको कृष्ण प्रेम प्रदान किए थे तो श्री कृष्णदास कहते हैं कि मैं जैसे घृणित व्यक्ति हूँ ये संसार में मुझे कोई आसरा नहीं दिखाई पड़ रहा कोई सहारा नहीं दिखाई पड़ रहा कि मुझे कोई उद्धार करेगा लेकिन फिर भी मुझे एक विश्वास है तो कथा समझ तो ऐसे व्यक्ति को कौन आश्रय देगा तो कहते कि ऐसे घृणित व्यक्ति में हूँ लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु की चरण कमल ही मेरे आश्रय है इसमें मेरी आशा है यदियों मैं इतनी घृणित हूँ इतनी बड़े पापी हूँ जगाए माधाए से भी अधिक पापी हूँ और इतनी घृणित व्यक्ति हूँ समाज में सबसे बड़ा पापी मौसम पति तो प्रभु ना पाए लेकिन फिर भी मेरे एक आशा है इसके चरण कमल को एक नित्यानंद मेरा जगत समस्या है इसलिए प्रभु पा देखेगी ये पतजीवों को उद्धार करने के लिए है एक ही उपाय है किसको लाना निताय दया अवधि निताय ये दया की अवधि है लास्ट लिमिट ऑफ वर्ष इसलिए गौर निताय की पूजा कौन प्रचलन किया पूरा विश्व में पूरा का भाव प्रभु साहब ने नित्यानंद को कौन प्रचार किया प्रभुपाद इसलिए प्रभुपाद ने पूरा विश्व में जितने भी इस्कॉन केंद्र खेले सभी केंद्र में किसको रखे गौरांग महाप्रभु के साथ में नित्यानंद क्योंकि नित्यानंद जो कि जिसको शरण में लेते हैं तो गौरांग कुछ नहीं कर सकते गौरांग डायरेक्ट नहीं लेंगे बोलेंगे लाखपति बनो तो मेरे पास आओ लेकिन यदि किसको नित्यानंद अपने शरण में ले लिए तो गौरांग क्या त्याग सकते इसको नहीं त्याग जो नित्यानंद अपने हमारे गिड़िया रहो भजन गौर चले मतवाला अवधूत है नित्यानंद नाम जैसे मंगलाचरण गाते उसको कहते कि सा कोई तक सा अवधूतम ये अवधूत कौन है नित्यानंद नित्यानंद प्रभु अवधूत है कोई पापी तापी कोई पुण्यवान है कोई ये सब कुछ विचार नहीं करते हैं कोई भी सामने आया हमारे इंडिया लो भज गौरहरी कहते कि बोलो गौरहरी बोलो गौर मुझे
इसलिए जिसको गौरांग भाव ने जिसको नित्यानंद आश्रय देते हैं तो उसको गौरांग भाव में त्याग नहीं सकते, चाहे वो कितना बड़ा पापी व्यक्ति क्यों हो। ये सब रहस्य को कौन जानता था सिवा रूपन जी। इसलिए देखे कि ये जो पापी पापी जत जो कि इनको कौन उद्धार करेगा, मनुष्य जवनों को ये सारे दुनिया की जो है सुड़ा भी ठीक से जब नहीं कर पाएंगे तो इनको कौन उद्धार करेगा। ये उद्धार होने का एकमात्र उपाय कौन है, इसलिए ने गौरांग महाप्रभु साहब को निताय गौर निताय निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग यदि कोई निताय पद कमल को आश्रय कर लेता है तो गौरांग इसको त्याग नहीं सकते। जैसे का छोटा चैतन्य लीला में उदाहरण प्रस्तुत है, चैतन्य चरितामृत में किसकी काला कृष्णदास, काला कृष्णदास आश्रय किसकी आश्रित था, नित्यानंद प्रभु के चरण को आश्रय करके रहता था। इसलिए जब भी गौरांग महाप्रभु दक्षिण भारत की गश्त में जा रहे थे तो उन्होंने एक सेवक महाप्रभु तो कहते मैं अकेला ही जाऊंगा, मैं अकेला ही भ्रमण करूंगा, लेकिन सब भक्त लोग कहे देखिए आप आपका तो शोध बोध खुद का रहता नहीं है, कृष्ण प्रेम में विहोल रहते हो, आपका कम से कम तो दंड कमंडलों जब को संभालने के लिए तो व्यक्ति रहे, कोई भिक्षा मांग के लाएगा आपको कुकिंग करके थोड़ा खिलाएगा है, तो आपका तो नहीं तो क्या होगा, कोई तो कम से कम एक तो लेके जाओ। नित्यानंद प्रभु तो पहले कहते थे कि देखिए देखो मैंने मैं सब दक्षिण भारत का गश्त पहले करके आ चुका, इसलिए मैं यदि चाहूँ तो मैं आपके साथ जाऊँगा। महाप्रभु ने कहा आपको लेके जाऊंगा, एक बार तो वृंदावन जा रहा था संन्यास लेकर, मुझे वृंदावन कहा कि कहाँ पहुंचा दिया मायापुर का मैं शांतिपुर में पहुंचा दिया, अद्वैत का भवन में वृंदावन कहा है यही वृंदावन का रास्ता गंगा के किनारे किनारे लाकर बोला कि ये जमुना है, मेरे को लगा शांतिपुर में पहुंचा दिया, अभी तुम साउथ इंडिया कहा कि मुझे आप यही पहुंचा देंगे, तुम बड़ा सत्यभाषी हो, तुम्हारे बात बात में हमको विश्वास नहीं है, तुमको तो साथ में किसी हालत में लेने वाला नहीं, ना तुमको मैं डांट भी सकता हूँ, ना तुम डांटने से कोई फर्क भी पड़ेगा, अब उधर तो बस तुमको तुम्हारा साथ नहीं। फिर वो कहेंगे ठीक है मैंने तो नहीं ब्रह्मचारी को ले लो, ये है कौन काला कृष्णदास, मैं ठीक ब्रह्मचारी है, अरे बहुत अच्छा सेवक है और मैं इसको अच्छा तरह से जानता हूँ, तो इसलिए इसको ले लिया, ये आपका अच्छा सेवा करेगा, भिक्षा मांग के लाएगा, थोड़ा कुकिंग करके खिलाएगा। तो बार बार नित्यानंद प्रभु कहने के कारण नित्यानंद को ले गए थे महाप्रभु साहब, और वो क्या किया दक्षिण भारत में पहुंच गया तो भट्टारी लोग थे तांत्रिक लोग, और इसको दिखाए थोड़ा काला कृष्ण को क्या दिखाए, एक सुंदर लड़की दिखाए, लड़की टेंडा की थी और कुछ तो देखा उसको देखा आके थोड़ा मुस्कुरा दिए इसको देख करके, इसको काला कृष्ण को देखा हंस दिया और आप थोड़ा नजर डाल दिया तो बस कह देखा कितना सुंदर लड़की है, इसको शादी करा देंगे, अरे मकान देख रहे माता मकान तुम्हारा है, मकान में बैंक बैलेंस भी है, बस आराम से यहाँ बेकार में क्यों समय बेकार कर रहा है, बाबा बाबा के साथ में घूम रहा थे सब लोग, तुम बेकार में जीवन को बिता रहा है, जवानी को ऐसे बर्बाद कर रहा है, इधर है माया के प्रभाव किसे धन और स्त्री का नहीं, तो बस
काला कृष्ण तो आ गया और लड़की को देख लिया था जब, तो उसका छवि तो इसके दर्पण में आ गया। रात में गौरांग महाप्रभु के साथ में सोया हुआ था, साथ में महाप्रभु के साथ सोया, उठ के रात में भाग उठ के जाकर भट्टारी के साथ उनके और लड़की के साथ में रहने लगा। सुबह ना कर सुबह सुबह महाप्रभु जगे, जगकर कहे कि अरे कहाँ गया काला कृष्ण दास जी, तो अंतर्यामी थे समझ गए। आकर पहुंचे सीधे आगे भट्टारी के लोग भेजे, देखो मेरा सेवक ने मेरा जो नौकर था तुम्हारे घर में आके आ गया है, तो उसको वापस कर दो मुझे, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, मेरा और कोई सहारा नहीं है, तो वो मेरा देखभाल करता था, तुम लोग भी सन्यासी थे, वो लोग पाखंडी थे लेकिन लाल कपड़े पहन रखे थे, और इसको वापस कर लो। अरे इतना ही बात नहीं है, ये मेरा आदमी नहीं है, मेरा आदमी होता तो मैं दे देता, यही छोड़ के जाता, इसको कोई चिंता नहीं, लेकिन ये आदमी किसका है, ये दूसरे का आदमी मुझे दिया है, रेंट में दिया थोड़ा देर सेवा मुझे दिया था कुछ दिन के लिए, जब तक लेकर मैं आया हूँ इसको लेकर मेरे को वापस करना है, उस व्यक्ति को वापस करना है, नहीं तो कहेगा मेरा आदमी को कहाँ दे दिया है, मैं दिया था कहाँ, तो इसलिए इसको वापस कर। भट्टारी लोग तो मूर्ख थे, बदमाश लोग थे, अब तब वो अपना भल्ला और क्या त्रिशूल से लेकर हथियार लेकर दरवाजे से भाग निकाले और फेंकने लगे, किनका पर वहां पर आक्रमण कर दिया, लेकिन ये जो सब बच्चा फेंक रहे थे तो लोग फेंकते थे उसको वहां पर ऊपर लोग लाकर वापस आकर उन्हीं के शरीर में उसको आघात कर रहे हैं, भागे बने रहे आम से तो ज्यादा तंत्र मंत्र यही जानता है, क्योंकि आम हथियार फेंकते हथियार उनके आमार उसके शरीर के पास नहीं जाता, वहां से वापस आके हमारे शरीर में लाते, तो भाई भी तुम सब भाग गए, घर बार छोड़ी भाग गए, कौन रह गया अगला, वहां पर उसके शिखा पकड़े, शिखा पकड़ के खिंचकी, इसलिए शिखा रखना चाहिए, शिखा पकड़ी तो शिखा पकड़ के खिंचकी लिखी है, चूड़ी धर गया उसका चूड़ी पर शिखा पकड़ के खिंचकी लिखी है, बोले मेरा आदमी होता वो तो रो रहा था, कौन रो रहा था, हालांकि बहुत जोर से रो रहा था, शिखा पकड़ के लाया कि मेरा आदमी होता तुझे यही वही नौकर श्रेष्ठ है, अच्छा है जो आपने प्रभु का चरण को कभी नहीं छोड़ता है, और सही प्रभु भी धन्य है जो आश्रित को कभी नहीं त्यागते हैं, तो उनको लेकर आए और लाकर पहुंचा दिए पूरी तरह, जब साथ इंडिया टूर कंप्लीट करके पूरा पूरी में आए, पूरी में आकर नित्यानंद लोग आए सब, तो अपेक्षा के भी थे अलाभ रात तक नित्यानंद लोग आ गए थे स्वागत करने, तो फिर उनको लेकर कहकर देखे ये व्यक्ति को, उसके बाद पहुँचते हुआ सुस्त होकर थोड़ा बैठे उसका, तो कहिए ये व्यक्ति को देख लिया था, बोला था एकदम नष्टि ब्रह्मचारी सब बढ़िया अच्छा सबक लिया, अरे मेरे साथ में सामने ऐसा ऐसा किया है, आज से इसका साथ मेरा कोई संपर्क नहीं, कौन है तुम्हारा आदमी तुम जानते हो, लो इसको संभाल, तो वो तो समझ गया मैंने बोला कि वहां मुझे आगे नहीं तो क्या हाल, तो हाँ त्याग नहीं मेरा आदत क्या हाल, रो रहा था जोर जोर से कला के लिए नित्यानंद लोगों ने फिर इसको संभाल देखे, बोले ठीक ठीक जा प्रचार करो, कहा बंगाल में जाओ, फिर वहां डॉक्टर प्रचार कर जाओ, फिर प्रचार कर लगा दिए, तो इतनी बड़े तैयार हो नित्यानंद को छोड़ के कौन जाएगा दूसरे आश्रय में, लंबा हो जाएगा, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु हैं, दयालु नित्यानंद, लेकिन नित्यानंद प्रभु है कौन, इसलिए हम नित्यानंद के चरणों का आश्रय करना, लेकिन नित्यानंद प्रभु है कौन, स्वयं बलराम, जैसे कथा प्रारंभ में कहा गया कि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन करते हुए चैतन्य चरितार्थ के प्रारंभ से ही है, उनके जब चैतन्य चरितार्थ के मुख्य 14 श्लोक है, पहला अध्याय में दी गई, उसमें पहला 6 श्लोक में
गौर तत्व हो रहा है वहां गुरु की महिमा को वर्णन की गई। इसके बाद में परवर्ती पांच श्लोक में किसकी महिमा को वर्णन किया गया? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु को प्रभु की महिमा को वर्णन करते हैं तुलसीदास के ब्रज भूषण, जो ही जो कृष्ण भजेंद्र नंदन बा जो कृष्ण थे वही बलराम ने सॉरी जो कृष्ण थे वही गौरांग और जो नित्यानंद वो किस रूप में आए? बलराम की तरह रूप में आए। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वितीय देह श्री बलराम। स्वयं अवतारी कृष्ण सभी अवतारों की भी जो अवतार जिनको अवतारी कहते हैं वो कौन है? स्वयं अवतारी कृष्ण ने सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप भिन्न मात्र का है, स्वरूप एक है, एक ही सर्वसत्यपूर्ण कृष्ण सर्वसत्यपूर्ण की बलराम है, लेकिन शरीर का कलर केवल अलग है, अलग है, काले है और ये गोरे हैं। मैं कहते कि उनका एक द्वितीय देह जो कृष्ण की जो पहला विस्तार ही बलराम है। एक ही स्वरूप जो है भिन्न मात्र का है आद्य काय वह कृष्ण सहाय। ये दोनों एक ही स्वरूप है, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार बकाय हुए है और कृष्ण की दिव्य लीला में सहायक होते हैं। से कृष्ण रमदीपे श्री चैतन्य चंद्र से बलराम संगे श्री नित्यानंद। से कृष्ण रमदीपे श्री चैतन्य चंद्र और से बलराम कौन है? गौरांग के संग में नित्यानंद और नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए हैं। और इनकी जो नित्यानंद तत्व को समझाने के लिए उन्होंने आगे श्लोक कहे हैं जो कि चैतन्य चरितामृत के आदि अपने पहला अध्याय जो मुख्य 14 श्लोक में से प्रारंभ करते हैं। पहला 6 श्लोक में चैतन्य महिमा को वर्णन करने के बाद उन्होंने कहते कि संकर्षण कामतोय साई गर्भद साई च पयप्ति साई शेषस्य यस्यां सकला सह नित्यानंदाख्य रामं शरणं मास्तु। कहते कि ये सारे जो बेसी नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु है जो क्रमशः कारण सागर गर्भोदक सागर और क्षीर सागर में शयन करते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की पहला विस्तार ही बलराम है नित्यानंद प्रभु, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण तो इनकी जो पहला विस्तार ही है बलराम और ये बलराम ही अपने को फिर विस्तार करते थे। बलराम को ही मूल संकर्षण कहते हैं और उन्होंने ही अपने को विस्तार करते चतुर्भुज के रूप में जो द्वितीय संकर्षण ये ही आध्यात्मिक जगत में वहां संकर्षण के रूप में निवास करते हैं। वैकुंठ जगत में इनकी स्वतंत्र स्थिति है और स्वतंत्र की जो प्लैनेट है बा जिस कक्ष में रहते हैं जो धाम में रहते हैं वैकुंठ धाम में तो महासंदर्शन से ही है तीनों पुरुष अवतार आते हैं कामद गोसाई गर्भद गोसाई और क्षीरद गोसाई तीनों विष्णु ये सब इनकी ही विस्तार है। किनकी विस्तार? नित्यानंद प्रभु की ही विस्तार संकर्षण कामद गोसाई गर्भद गोसाई और क्षीरदिशाई। इसके अलावा उनका भी और एक विस्तार है वो है शेष शेष सदस्य सकला सह नित्यानंदाख्य राम शरण। तीनों तो अवतार जो पहले विष्णु रूप में जो अवतार है वो सृष्टि आदि कारण सृष्टि आदि को सजना में अभाव उसकी पालन में आगे लगे हुए कार्य में उनके आदेश पालन करके किसके आदेश पालन करके कृष्ण के आदेश पालन करके वा सृष्टि आदि कार्य में इन्होंने लगे हुए। लेकिन जो शेष है ये विशेष रूप में सेवा में लगे हुए। किनकी सेवा में? कृष्ण की सेवा में। ये अनंत शेष के रूप में भी अपने को विस्तार करते हैं। आपने करे न कृष्ण लीला न सहाय सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाय।
सुष्ट्यागे सेवा तार आज्ञार पालन शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवन सुष्टि आदि कार्य वो तो इसी रूप में करते संकर्षण के रूप से तीनों विष्णु के रूप में कारण तो सही विष्णु ये सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं गर्भदत्त साई विष्णु प्रत्येक है कि जो कारणदत्त साई विष्णु वो महाविष्णु संपूर्ण सृष्टि में एक है जिन वो ब्रह्मांड की परमात्मा पर ब्रह्मांड की जो सृष्टि करते हैं तो प्रत्येक ब्रह्मांड में फिर अंदर में गर्भदत्त साई विष्णु प्रवेश करके नाभि कमल से प्रत्येक ब्रह्मांड की परिचालना करने के लिए सृष्टि को कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किसको सृष्टि करते हैं ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं और फिर गर्भदत्त साई विष्णु के रूप में फिर वो प्रत्येक ब्रह्मांड में जो कि खेल सागर में शयन करके ही खेल साई विष्णु के रूप में जो कि परमात्मा की भूमिका निभाते हैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं आप दुष्टों को विनाश करना संत को पालन करना कार्य ये भी अवतार लेकर आते हैं समय समय पर जुगावतार आते ये जितने भी अवतार धरा पर आते हैं ये सब इनकी माध्यम होकर आते हैं लेकिन सारे इसका सोर्स मूल जो सोर्स स्रोत है वो कौन है बलराम नित्यानंद ही इनके स्रोत है तो इस प्रकार उन्होंने नित्यानंद तत्व को समझा रहे कि कैसे नित्यानंद बलराम से अभिन्न है और वही आज श्री बलराम गौरव संगे नित्यानंद गौरांग महापुरुष साथ में नित्यानंद के रूप में अवतीर्ण लिए हैं पावतर के अवतीर्ण हो गए हैं इसलिए नित्यानंद प्रभु कोई साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने उद्धार को स्वयं अपने घर का एक जो अनुभूति है उसी को प्रस्तुत करते हैं कि पति का हमारा घर में अखंड कीर्तन चल रहा था कहाँ पर झामरपुर झामरपुर गांव जो कि नौहाटी के पास काकुआ डिस्ट्रिक्ट में तो नौहाटी के पास झामरपुर गांव में कृष्णदास कविराज की घर था जहाँ वहाँ रहते थे अपने बड़ा भाई और भाई था और भाई के साथ रहते थे तो उनके घर में 24 घंटे कीर्तन अष्टप्रहर कीर्तन बंगाल में विशेष चलाते थे विशेष संकल्प करके 24 घंटा 8 प्रहर में 24 घंटे कीर्तन होता था तो उनके घर में ऐसे अखंड कीर्तन का आयोजन हुआ था और उसमें इन्होंने विशेष रूप में निमंत्रण दिया था एक वैष्णव को बुलाया था जो कि नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे विनोकेतन रामदास विनोकेतन रामदास को बुलाए थे उस कीर्तन में आने के लिए भर में निमंत्रण था तो निमंत्रण प्राप्त करके वो आए थे लेकिन वो अद्भुत वैष्णव थे उत्तम अधिकारी स्वयं द्वादश गोपाल जो कि कृष्णलीला में थे द्वादश गोपाल में से एक गोपाल थे साख्य भाव में रहते थे विनोकेतन रामदास और वो पूरे उन्मत्त होकर आए एक अंगन में पहुंचे और जो लोग प्रणाम करता था उनको थप्पड़ किसको थप्पड़ लगा देते थे किसको किसके कान पर चढ़ जाते थे कि है उन्हें अद्भुत प्रेम में जोड़ हो जाते थे उनके मैंने एक कभी कभी एक अंग कंप रहा था तो दूसरे अंग हर समय दूसरे कई प्रकार की अष्टसाथ की विकार पूरा शरीर में प्रकट हो रहा था पूरा कंप स्वेद अश्रु ये सब जो अष्टसाथ की विकार है ये सभी उनके शरीर में प्रकट हो रहा था वो भौतिक धरा पर नहीं थे भौतिक स्मृति की था नहीं देह स्मृति नहीं था न देह स्मृति नहीं था संसार बंधन कहाँ था तो देह स्मृति नहीं बड़े विवर होते थे जो पहुंचे नित्य कीर्तन करते करते और बाला के रूप में अपनी सजावट करके रखते थे बांसुरी और एक हाथ में लाठी बांसुरी लेकर गला के समय पकड़ी ना देते वही पंखा डाल के और नमस्त थे गाते थे उन्मत्त रहते थे और नित्यानंद की कीर्तन करके चलते थे और उनके घर में पधारे देखकर प्रभाव देखकर सब लोग प्रणाम किया लेकिन जो प्रणाम करता था किसके ऊपर प्रणाम करता है उसके पीठ पे कान में उड़ जाते प्रणाम करने वाला का कान में उड़ जाते किसको उठा के उठते हैं उसके थप्पड़ लगा देते बचाए किसको से बड़ा किसको आलिंगन कर लेते थे अरे अद्भुत व्यवहार लेकिन सभी लोग बड़ा प्रेम इनको दर्शन करके ही जो भी विनोकेतन रामदास को दर्शन करता था उसकी आंख से अश्रु अपने आप बहने लगता था उत्तम अधिकारी का यही लक्षण है जहाँ देखिले मुखे आई से कृष्ण नाम सही तो जानो है उन्हीं वैष्णव प्रधान जो तुम अधिकारी वैष्णव देखने से ही इनको सामने वाला व्यक्ति कितनी बड़ा पापी की लोग कृष्ण भाव में भागित हो जाता है यही इसकी उत्तम अधिकारी का लक्षण है चले वो मीरकत रामदास को देखकर सब प्रेम में भीड़ हो रहे थे लेकिन उस गांव उनके घर में एक पुजारी था बेटी रूम देवी था अल्टर में एक पुजारी काम करता था भगवान की सेवा में लगा हुआ था उसके नाम था गुणाम मिश्र उसने प्रणाम करने आगे बाहर आके प्रणाम नहीं किया वो अल्टर में अपने डेडिकेशन में लगा हुआ
तो भी लेकिन मैंने कहा तुम राजा उसको तुम देखे हंसते हंसते देखिए तो दूसरा आदमी और सब लग रहा है उस सर है और जैसे बलराम को देखकर समझ नहीं किया ये भी ऐसा है लेकिन वो पुजारी उसको माइंड नहीं किया वो अपने पास प्रेम से सेवा करता था हंस रहा है तो सेवा करते वो उसको माइंड नहीं किया लेकिन नृत्य नृत्य बात पूरे रात भर कीर्तन नृत्य चलते रहा लेकिन अंत में जब उस फिलोसफी के बारे में चर्चा होगी उसके साथ में कृष्णदास कुलराज गोस्वामी जो बड़े बहन था उसके साथ थोड़ा चर्चा हो कि गौरांग नित्यानंद में दोनों में कोई अंतर दोनों सेम है तो मीन कीर्तन दास दोनों को दोनों के अंतर नहीं देखते थे ये कहे कि नहीं ये गौरांग महाप्रभु की मानते थे भगवान के रूप में नित्यानंद को मानते बड़े भाई उसके श्रद्धा नहीं था इसीलिए मिनकतन रामदास के साथ जो उन्होंने बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने थोड़ा उन्होंने कहा इतनी अच्छा आपने जो रेस्पॉन्स नित्यानंद प्रभु की महिमा के प्रति दिखाया नहीं तभी तभी कृष्णदास कवराज गोस्वामी ने भाई को लेकिन मिनकतन दास जब देखे कि इसको माने गौरांग में प्रेम है लेकिन नित्यानंद में कोई विश्वास नहीं नित्यानंद के चरण में इसकी कोई आश्रय नहीं है बाप उसको भरोसा नहीं करता है उनको मानते भगवान के रूप में स्वीकार करता नहीं है तो फिर उन्होंने थोड़ा नाराज हुए कौन मिनकतन रामदास तो उन्होंने गुस्से होकर अपने जो पकड़े थे लाठी और बांसुरी को तोड़ दी उसको तोड़ के क्रोधित होकर उनके घर से निकल गए तो अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य प्रभु के कारण सुदृढ़ विश्वास नित्यानंद पतितानां विश्वास आभास विश्वास कर रहा है कि मेरे जो भाई था इसको नित्यानंद ने चैतन्य महाप्रभु से सुदृढ़ विश्वास था कि ये कृष्ण है स्वयं कृष्ण ही गौरांग के रूप में प्रधान है लेकिन नित्यानंद की प्रति उसके संशय था आभास दृढ़ विश्वास नहीं था नित्यानंद जी बलराम है और ये भी दयालु है ये भी भव सागर के जीवन को उद्धार कर सकते इतने था नहीं इसको जो पता लगा राम जो यहाँ जानी राम दास दुख है मने तबे तो भ्रातारे अमी करी हूँ भत्सने तो क्योंकि ऐसा नहीं था देखकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े दुखी हुए अपने भाई को बताने और तू ये कहाँ से ले आई सीखा कहते अर्धक कुट्टी न्याय अर्धक कुट्टी न्याय क्या दोनों फल प्राप्त नहीं हो पाता है दुई भाई एक तनु समान प्रकाश नित्यानंद नामान तुम्हार हवे सर्वनाश तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भाई को कहे देखो दुई भाई एक तनु एक शरीर और दो रूप है इनमें कोई अंतर नहीं है और तुम नित्यानंद को मानता नहीं है गौरांग को मानता नहीं मानता नित्यानंद को नहीं मानता इसलिए तुम्हारे इसी अपराध के कारण विनाश होगा एकेते विश्वास अन्ने नाकर सम्मान अर्थ कुटी न्याय तुम्हार प्रमाण एक मान नहीं मान तो वही अर्थ कुटी न्याय के समान है मुर्गी का पीछे उसे को छोड़ के आगला उसको गर्दन से काट के फेंक देना चाहिए युवा तुहार ना मानिया हो तो पसंद एक मानी आरे ना मानी यही मत भंड दूसरे को ना इस तरह दम्भी बना रहा है ना
अच्छा एक नास्तिक बन जाए, लेकिन तुम वो एक को मानते हो दूसरे को नहीं मानते हो, इसी कारण से तुम्हारा विनाश होने वाला है। क्योंकि घोड़ा के बाहर तुम कहते जो निताय को नहीं मानता है तो मेरे चरण में आने पर मैं ही स्वयं इसको लात लगा कर दूर फेंक देता हूँ। कौन कहे घोड़ा के बाहर क्रुद्ध हया वंशी भंगी चले राम दास तत्काले अमर भ्रातर होइल सर्वनाश। जब वो बांसुरी तोड़ कर क्रुद्ध होकर घर से चला गए दास को राज दूसर कहते हमारा भाई का सर्वनाश। एक कहिल तार सेवक प्रभाव आरो एक कहिल तार दया स्वभाव। कहते कि ये सेवक का प्रभाव नित्यानंद के सेवक का प्रभाव कहा अभी नित्यानंद की दया की जो सीमा उसको भी मैं बता रहा हूँ। और इस दया विशेष रूप में नित्यानंद किसकी प्रति की है? विश्वास कविराज की प्रति। नित्यानंद की कृपा के बिना कोई भी गौर कथा व गौर लीला में प्रवेश नहीं कर सकता है। जितने भी गौर लीला करने वाले वृंदावन दास ठाकुर कृष्णदास कविराज वो सब वृंदावन दास ठाकुर डायरेक्ट शिष्य थे। क्यों कहा उन्होंने कहते कि मेरे शिष्य प्रत्येक स्टांजे का चित्र भागवत के प्रत्येक चैप्टर के अंत में कहते कि नित्या श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद्रजाल दास पशुपद गीता नित्यानंद प्रभु डायरेक्ट को लेकर उनके गुरु है अंतिम उनके शिष्य है। और नित्यानंद प्रभु के आदेश से ही उन्होंने लिखा है कौन सा चैतन्य भागवत। नित्यानंद की कृपा के बिना चैतन्य लीला के स्मरण नहीं होते हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने भी नित्यानंद के आदेश को सिरोधार्य करके ही उन्हीं की कृपा से चैतन्य भागवत लिखे। और चैतन्य चरितामृत को भी कृष्णदास कविराज ने किसकी कृपा से लिखे? स्वयं वर्णन कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत प्रारंभ से उदाहरण की इनकी कृपा से नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही उन्होंने वृंदावन आए और चैतन्य चरितामृत को लिखने का जो शक्ति सामर्थ्य नित्यानंद प्रभु ने ही उनको प्रदान किया। जीव गोस्वामी को भेजा कौन कृपा करके? रघुनाथ दास को कृपा किया नित्यानंद की कृपा के बिना गौरांग नित्याय की संपत्ति है निताय की संपत्ति। निताय के चरण कमल को आश्रय किए बिना गौरांग के पास डायरेक्ट भागता है वो सही सिद्धांत नहीं है। पहले गुरु बाद में गौरांग गुरु गौरांग गुरु है नित्यानंद यही आदि गुरु है। तो इसलिए कृष्णदास कविराज को सभी भी अपने कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा कृपा प्राप्त की है तो उसको बताते पहला नवदीप मंडल को परिक्रमा जो कौन कराया नित्यानंद प्रभु ने किसको लेकर कराया जी भूषण सभी इनकी कृपा पत्ते से पर तो कहते कि मैं अपना भी प्रति नित्यानंद की जो कृपा का थोड़ा सा एक थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। यदि मैं निर्लज होकर अपनी ही कथा कह रहा हूँ लेकिन फिर भी नित्यानंद महिमा का बाद नित्यानंद प्रभु की द्वारा मैं जनता के द्वारा चालित होता हूँ। नित्यानंद प्रभु ने मुझे बाध्य कर रहे हैं इस कहने की उनकी महिमा भी इसलिए प्रकट हो रहा है इनका महिमा नित्यानंद की महिमा भी प्रकट होता है। तो इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा कह दूँ जो भाई के भक्सी दुई लयाई गुण सही रात के प्रभु मरे दिला दर्शन। मेरे भाई अन्याय किया इसलिए मेरे भाई को डांटा है उसी गुण को ही नित्यानंद ने स्वीकार कर लिया कि इन्होंने नित्यानंद की निंदा को सहन नहीं किया है। तो इसलिए उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर उस रात्रि में मुझे दर्शन दिए। कौन दर्शन दिया? नित्यानंद प्रभु ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन दिए। नित्यानंद प्रभु को स्वप्न में देखकर उन्होंने चरण जुगल को पकड़ कर निज पाद पद्म प्रभु दिलावत तो देखकर प्रणाम किए साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। कौन? कृष्णदास कविराज को सर दंडवत हयामि पड़िनु पायते निज पाद पद्म प्रभु दिला मोर माखे। नित्यानंद प्रभु तुरंत अपने चरण को धारण किए इसके सिर पर कृष्णदास। नित्यानंद प्रभु जिसको कृपा करते ऐसे ही कृपा करते हैं। बोला कर आप क्या सोचोगे आपके सिर पर कोई चरण रखे है उसको बोले थे रघुनाथ दास को बोले कि चोर है पकड़े गांव वाले इसको दंडित करता हूँ। चोर कहाँ कहाँ घूमते हैं मुझे दर्शन मेरा सामने को भी आता नहीं। चोर क्यों कहे कि मेरा चोर संपत्ति की चोरी करता है कौन गोरा मेरे पास भागता है मेरे लिए इकला भागता है बड़ा उसको दंडित करूँ बड़ा ग्रेड थे पकड़े के लाए तो सीधे
चरण रखे हुए शरीर पर है, कहे कि मेरे सारे पुत्रों ये जितने भी मेरे गण है सबको चुड़ा नहीं चुड़ा। बड़ा कौतुक की नित्यानंद है शिवानंद स्वामी शंकर जो कृपा किए क्या किए छाती में लगाएगा छाती में सीधा कड़ा कड़ा छाती में लगा देगा। कवि कैसे किसको कृपा करते हैं अवधूत है। तो कृष्णदास कृपा गोस्वामी देख रहे थे कि जब जीव गोस्वामी भी जब पहुंचे पहुंच कर आकर नित्यानंद दर्शन किए थे शिवासंगन में इस प्रकार नित्यानंद में चरण धारण किए थे। तो उनके तो चरण को धारण किए कृष्णदास कुलराज गोस्वामी देख रहे थे कि नित्यानंद प्रभु अपने पाद पद्म को उनके चरित्र जो दंडवत प्रणाम किए तो धारण किए और कहे उठा महामल्लवीर शरीर कैसे था श्याम चिक्कण। तो सारंग आप जानते हैं नित्यानंद बागवरा के महाप्रभु शरीर कैसे आलम लंबित हो जो कनका वृंदावन ठाकुर जो मंगलाचरण कहते हैं ये एक ही को प्रणाम नहीं करे दोनों को साथ में बहुवचन में है ये बहुवचन में दोनों को प्रणाम करते एक साथ में जिसको गौरांग हजार लंबित भुजऊ भुजन मैंने दोनों का एक साथ में दोनों को गौरांग नित्यानंद दोनों को संबोधित करते हैं हजार लंबित भुजऊ कनकावधातु कनका कनकावधा स्वर्ण का स्वर्णिम आभा सोने के समान की कलर की कांति कनकावधातु संकीर्तनई कपितरु कमलायताक्षे विश्वम भरऊ द्विज भरऊ सभी बहुवचन है दोनों के एक साथ विश्वम भरऊ द्विज भरऊ तो इसे श्याम वर्ण कैसे हो गए नित्यानंद इधर देखे स्वप्न में जो झूठ थोड़े देखे देखने बाला बाला के रूप में गोप बाला के रूप में थे और शरीर का कांति पूरा चिक्कण था। आप कहीं गए गोपुरी में गए तो टाकुनाथ मंदिर में गए होंगे वहां पर आधार में देखे ललिता को देखे कैसे कौन है काले हैं राधा भी काले हैं ललिता भी काले हैं कैसे खड़े हो कैसे खड़े हो वो भी बांसुरी धारण करने की मुद्रा पर राधा ने पीड़ा पकड़ी हुई और ललिता जी बांसुरी पकड़े हुए हैं बांसुरी धारण में रास में नृत्य करने की मुद्रा में अर्थात महाप्रभु तो कृष्ण तो काले हैं लेकिन गोरा में कैसे बन गए किसकी भाव से भावित हो राधा रानी भाव भाव तो अब राधा रानी और ललिता वो कृष्ण भाव से भावित है कृष्ण के भाव में इतनी तल्लीन हो गए कि उनके शरीर की कांति भी कृष्ण जैसे हो गई। इसलिए नित्यानंद को जो बलराम जो अत्यधिक कृष्ण के आवेश में होते हैं नंदगांव में जाओगे तो नंदगांव में क्या देखोगे नंद भवन में बलराम कैसे काले हैं बलराम जब अत्यधिक कृष्ण की भावना में थोड़े तल्लीन रहते हैं फिर कृष्ण की कांति को अंगीकार कर लेते हैं। बलराम जी तो देख रहे थे कि नित्यानंद को ऐसे है श्याम चिक्कण कांति प्रकांड शरीर साक्षात कंदर्प जैसे महामल्लव साक्षात कंदर्प कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम बहुत शक्तिशाली मल्ल के समान शरीर बहुत सुंदर सुगठित तनु था सुवर्णित हस्त पद कमल नया पट्ट वस्त्र सिरे पट्ट वस्त्र परिधान सुवर्णित हस्त पद कमल जगे उनके हाथ बाहुएं तथा पाव अत्यंत सुंदर थे और उनके आंखें कमल की फूले जिस थे वे रेशमी वस्त्र पहने थे और उनके सिर पर रेशमी पगड़ी हवा की वजह से सजावट थे सुवर्ण कुंडल करने स्वर्णांग दबा पाए थे नूपुर बाजे कंठे पुष्पमाला वे कानों में
सोने के कुंडल पहने हुए थे और उनके बाजूबंद था कंगन सोने के थे। वे अपने पाओ में नूपुर वरुण झुमकर की पायल तथा अपने गले में फूलों की माला धारण किए हुए थे। चंदन लेपिता तिलक सुठामा मत्तग जजिनी मंद मंथर पयान। उनका शरीर में चंदन लेपित हुआ था है? और माथे पर तिलक सुशोभन दे रहा था। उनकी चाल कैसे था मदमत्त हाथी जैसे, हाथी जैसे बड़ा कैसे चलता मंथर गति में और हाथी का चाली जैसे कोई चाली था। इसी रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु स्वप्न में देखते थे। कोटि चंद्र जिनी मुख उज्ज्वल वर्ण दाडिंब बीज सम दंत तांबूल चरवण। उनका मुखमंडल कोरोना चंद्रावण से अधिक सुंदर था और पान खाने के कारण उनके दांत अनार के दाने जैसे लगे रहे थे। अनार के दाने जैसे लाल लाल होता दांत पे से दिखाई पड़ते थे, बड़े चिक्कड़ थे। प्रेमे मत्तंग दाहिने बामे बोले कृष्ण कृष्ण बलिया गंभीर बोलो बोले। उनका शरीर इधर उधर दाएं बाएं ही रहा था क्योंकि वे प्रेम में मग्न थे। वे गंभीर वाणी से कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। रंगा यष्टि हस्ते डोले जेन मत्त सिंह चारी पासे बेढ़िया छे चरणे रभृंग। उनके हाथ में उनकी लाल छड़ी हिल रही थी जिससे वे मदमत्त सिंह की तरह लग रहे थे। उनके चरणों के चारों भौर मंडा भौर भय भौर मंडा रहे थे मंडरा रहे थे। पारिषदे गणे देखी सब गोप वैसे कृष्ण कृष्ण कहे सबे सब प्रेम आवेसे। उनके भक्त ग्वाल वालों की तरह वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चरण के चरण को अनेक भौर की तरह घिरे हुए थे। नित्यानंद चरण को घिरे हुए थे। वे प्रेमावश में मग्न होकर कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। सगले सिंगा बंसी बजाए के हो नाचे गाए सेवक गुआए तांबूल सेवक जुगाए तांबूल चामर डुलाए। उनमें से कुछ सिंगा तथा बंसी बजा रहे थे और कुछ शेष जो लोग थे वो नृत्य कर रहे थे। कोई गा रहा था कुछ पान अर्पित पान नित्यानंद प्रभु को अर्पण कर रहे थे और कोई लोग पास में खड़ा होकर चावल भी डुला रहा था। नित्यानंद स्वरूप देखिया वैभव की बा रूप गुण लीला लौकिक सब। इस प्रकार में नित्यानंद प्रभु का ऐसा अवश्य देखा। उनके अद्भुत रूप गुण और लीलाए सब अलौकिक था। आनंदे विहोल आनी किछु नहीं जानी तबे हासी प्रभु मरे कहिले न बाणी। मैं दिव्य आनंद में विहोल था और कुछ भी नहीं जान पा रहा था। तभी नित्यानंद हंसे और मुझसे इस प्रकार बोले अरे अरे कृष्णदास ना करह भय वृंदावन जहां तहां सर्वलभ्य है। कौन कहा नित्यानंद चिंता मत कर कृष्णदास क्यों भयभीत हो रहा है जाओ यार घर निकालो घर से निकालो कहाँ जाओ वृंदावन वृंदावन जाओ कहाँ सर्वलभ्य वृंदावन जाओ तुम लोग तुम्हारा जो कुछ भी इच्छा सभी पूर्ण होगा सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा वृंदावन जाओ। ये तो बोली प्रेरिला मोरे हाथों में हाथों सानी दिया अंतर ध्यान कैल प्रभु निज गण लया। इस प्रकार ये कहकर उन्होंने अपना हाथ हिलाकर ऐसे दिखाए मार्ग वृंदावन कैसे मार्ग में जाना है और निर्देशन किया। फिर अपने साथियों के साथ में अंतर ध्यान हो अब उसी समय इनका नित्य हो गया। इनका ब्रह्म मुहूर्त में जो सुबह सुबह जो स्वप्न होता है वो सत्य होता है। मूर्छित हैया मुई पड़ी भूमि ने स्वप्न भंग है देखी हया छे प्रभाते। इसी प्रकार स्वप्न देखे मूर्छित होकर गिरे गिर पड़े वही इस समय उनका संतुलित हो गया और देख रहे थे कि प्रभात सूर्य हो चुका है प्रभात होने वाला है। सूर्य उदय हो गए नहीं लेकिन आलोक विभाग होनी शेष आलोक हो चुका है। तभी अभी विचार करने लगे क्या करूं क्या देखा मैं क्या मैंने अभी प्रभु का आदेश हो गया नित्यानंद का आदेश हुआ वृंदावन जाने के लिए क्या करूं क्या
क्या कर रहे हो? भाई बुलाकर पूछे घर वालों को नहीं है, घर वालों को समझे कुछ बोले भाई दोस्तों क्या करूँ, वृंदावन जाओगे ना हो, नित्यानंद प्रभु ने ऐसे स्वप्न में दिया ऐसे कहे इसको, दूसरे किसको बोले स्वप्न के बारे में, किसी को नहीं बोले, पहली बार चरित्र चेता हो इसको उद्घोषित कर रहे नित्यानंद महिमा को वर्णन करने के लिए। तो उसी समय से क्षणे वृंदावने करिनु गमन प्रभु रो कृपा के सुखे आयु वृंदावन। महाप्रभु देखिए सब ऐसा जगे और बिस्तर से उठे चल दिए, अजामिल चल की चल दिया, अजामिल में देखा था किसको विष्णु पुत्रों से देखा, जमुन पुत्रों के बीच में बातचीत को सुना, तो फिर घर बार पत्नी किसको पूछा तो बच्चा खेल रहा था उसको प्रति पति क्या किया, उठा वही सीधा हरिद्वार चल दिया है। उसी प्रकार वहां किया तो पूरा निकल गया, प्रत्यक्ष आदेश दिए जाओ वृंदावन, इसलिए जग गए तो बिस्तर से उठे सीधे वैसे उठ के चल दिए कहा वृंदावन, कहा उन्हीं की कृपा से वही नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही बड़े सुख में वे वृंदावन ले आकर पहुंच गए। जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम जहार कृपा ते पाइलु वृंदावन धाम, कहिए जय 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 नित्यानंद राम, जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, नामे नित्यानंद तुम्हें रूपे नित्यानंद यही तुम्हें नित्यानंद राम मूर्तिमंत। चैतन्य महाप्रभु स्वयं स्तुति करते जो चैतन्य भागवत में मध्यला के 12 अध्याय 18 श्लोक में तो महाप्रभु स्वयं नित्यानंद के स्वरूप को वर्णन करते हैं, कहते कि नामे नित्यानंद तुम्हें रूपे नित्यानंद, आपके नाम भी नित्यानंद आप रूप भी ऐसे हैं नित्यानंद है, प्रदान करने वाला जो नित्यानंद को दर्शन करेगा नामे नित्यानंद तुम्हें रूपे नित्यानंद यही तुम्हें नित्यानंद, आप सदा नित्य आनंद रहते हैं, ये है आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी की, सदा प्रेमानंद उन्मत्त रहते हैं, गुरु प्रेम में कृष्ण प्रेम उन्मत्त रहते हैं, राम मूर्तिमंत आप स्वयं बलराम, बलराम के मूर्तिमान होता मूर्तिमान प्रति है कोई भिन्न भिन्न नहीं है, ब्रजेंद्र नंदन जय सती सुत हैल से बलराम हैल दुराए, जो इसी को विश्वास नहीं करता फिर नित्यानंद की महिमा को नहीं समझ पाएगा है। तो फिर इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि सही पशु बड़ा निताई ना मजिल मुखे मजिल संसार सुखे है, तो फिर विद्या के लिए की करी व्यक्ता बड़ा बड़ा विद्या पढ़ के बड़ा डिग्री लेकर बहुत बड़े बड़े विद्वान के रूप में स्कॉलर के रूप में बड़ा उसकी प्रतिष्ठा हो गया समाज में, लेकिन ये निदाय निताय के चरण को लोग आश्रय नहीं किया तो इसकी विद्या का क्या फायदा है, कोई भी लाभ नहीं है। अहंकार भक्त होया निताय पद पासरिया असत्य रे सत्य करी माना, असत्य को सत्य मानता है, तो इसलिए यदि कोई गौरांग महाप्रभु की लीला को लीला में प्रवेश करना चाहता है राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश करना चाहता है तो इसको किसके चरण कमल को पकड़ना पड़ेगा, नित्यानंद निताय चरण कमल कोटि चंद्र सुषित कमल निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धर निताय चरण दुखानी, इसलिए प्रभु दशा करते हैं धर निताय चरण दुखानी, जो निताय के चरण को पकड़ के रखा है वही भजन में प्रभुता आगे उन्नति करता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु उसकी जो स्वयं दायित्व लेते हैं जैसे वृंदावन दास ठाकुर के कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जीव गोस्वामी के बहुत जो साधक हैं सो निताय के चरण को आश्रय करके ही अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त किया, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है नित्यानंद के चरण को आश्रय करता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी उद्धार स्वयं का प्रस्तुत करके इसलिए हम प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि नित्यानंद की कृपा से ही मैं वृंदावन में पधारा है, नहीं तो मैं जैसा निर्गुण्य व्यक्ति मुझे कौन आश्रय देता, मैं कैसे वृंदावन वास कर पाता हूँ, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को कैसे रचना करता हूँ। जय जय नित्यानंद जय कृपा से लघिष्ठ
केवल निर्गुण मरे केवा कृपा करे एक नित्यानंद बिनु जगत भितरे प्रेमे मत्त नित्यानंद कृपा अवतार उत्तम अधम किछु ना करे विचार नित्यानंद में विचार नहीं करते ये उत्तम व्यक्ति है भक्ति करने के लिए पानी फैट है और ये अधम है पुष्ट है ये विचार नित्यानंद के पास में नहीं है जो भी सामने आएगा इसको कड़ा करते हैं इसको कहते हैं कि बोलो बोलो एक बार बोलो मुख्य में क्या बोलो शिवानंद से सदा उनकी जो इष्ट मंत्र क्या था ये जो होते थे चार अक्षर इसको भी गौर गोपाल मंत्र कहा जो गौरांग क्या जपते थे भीमराव गौरांग 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 नित्यानंद प्रभु को उत्तम अधम ये सब कुछ नहीं देखते हैं
जो भी सामने आया और आगे बोल रहा है हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, देखकर पास पियोड़ हो जाते हैं, गाली में चले चलो आओ हरे कृष्ण बोल मिले। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जान की थी नित्यानंद की महिमा को, इसलिए हमने सारे प्रत्येक स्कंद के अंदर में दिए हैं गोरा के साथ। ये अवधूत की चरण कमल को ही हम आश्रय करके ही पड़े हैं, इन्होंने ही आदि गुरु है गुरु तत्व में। और आज के वो संख्या में नित्यानंद महिमा की थोड़ा कुछ आवाज वर्णन की गई, क्योंकि मैं प्रारंभ से अपना तत्व को नित्यानंद तत्व को यदि गंभीर भाव से चर्चा करता था सोच हो जाते हैं, तो तत्व को यार सुनने के लिए नित्यानंद कैसे बढ़ रहा है वो सो जो बुढ़ा रहस्य है, तो इसके बीच में भी थोड़ा कहानी भी जोड़ दी है। फिर आपको कम से कम तो इतना ही बता रहा कि नित्यानंद प्रभु है कौन, बलराम है, कृष्ण के सबसे पहला विस्तार जो बलराम वही नित्यानंद के रूप में आए गोरा के साथ, ब्रजेंद्र नंदन से ही सची सुत हृदय से ही बलराम। तो इसलिए आपको नित्यानंद के चरण को आश्रय करो, यही नित्यानंद सभी महा वैष्णव आचार्य लोग ने यही सलाह दिया, नरोत्तम दास ठाकुर, बच्चन दास ठाकुर, भक्ति ठाकुर, भक्त भद्री, इनके आश्रय गुरु है और नाम भट्ट का प्रचार कौन किया है, कौन सा प्रारंभ किया है, नित्यानंद प्रभु शुरुआत किया है। समय हो गया आज नदिया गोद्रु में नित्यानंद महारा पादिया चे नाम Oh!
अभी नित्यानंद प्रभु विष्णु के पास क्या प्रसाद मिलेगा? सब प्रसाद लेकर जल्दी काल विशेष में लास्ट में कक्षा में चर्चा होगा। अभी हम नित्यानंद दर्शी भी ठीक से चर्चा करेंगे काल से एक चक्र में नित्यानंद अभिभाग केवल आनंद करते।